संजय गांधी एक भारतीय राजनीतिक थे और इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के छोटे बेटे। वह संसद, लोकसभा और के सदस्य थे नेहरू गांधी परिवार। अपने जीवन काल के दौरान यह व्यापक रूप से उम्मीद की गई थी कि वह अपनी मां के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और लेकिन एक विमान दुर्घटना में उनकी पारंपरिक मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई राजू बने। मां की राजनीतिक उत्तराधिकारी और उनकी हत्या के बाद भारत की प्रधानमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष बने। उनकी पत्नी मेनका गांधी और बेटे वरुण गांधी राजनेता है भारतीय जनता पार्टी के। गांधी का जन्म नई दिल्ली में 14 दिसंबर 1946 को इंदिरा का छोटे बेटे के रूप में हुआ था। गांधी और फिरोजा गांधी अपने बड़े भाई राजू की तरह गांधी की शिक्षा सेट में हुई। कोलंबा स्कूल दिल्ली, विलहम बॉयज स्कूल देहरादून और फिर दून स्कूल देहरादून। गांधी जी की शिक्षा स्विट्जरलैंड के एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्डिंग स्कूल इकोले डी ह्यूमैनिटी में भी हुई। गांधी ने विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं लिया लेकिन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग को करियर के रूप में चुना और रोल्स रॉयस में प्रशिक्षुता हासिल की। क्रू 3 साल के लिए इंग्लैंड, हालांकि इंडियन एयरलाइंस से बोइंग 737-200 AD वे विमान उड़ाने वाले कैप्टन थे। भाई उनके उन्हें स्पोर्ट्स कारों में बहुत रुचि थी और उन्होंने 1976 में पायलट का लाइसेंस भी प्राप्त किया। उन्होंने विमान कालाबाजी में रुचि थी और उन्होंने उस खेल में कई पुरस्कार जीते। 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कैबिनेट ने एक के उत्तरावर्तन का प्रस्ताव रखा। लोगों की कार एक कुशल स्वदेशी कार जिसे मध्य वर्ग के भारतीय खरीद सकते थे। जून 1971 में मारुति मोटर्स लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली कंपनी को अपनी अधिनियम के तहत शामिल किया गया और गांधी इसके प्रबंध निदेशक बने। जबकि गांधी के पास कोई पिछला अनुभव, डिजाइन प्रस्ताव था या किसी निगम के साथ संबंध नहीं था। उन्हें कार बनाने का ठेका और विशेष उत्पादन लाइसेंस दिया गया था। इस फैसले के बाद जो आलोचना हुई वह ज़्यादातर इंदिरा पर केंद्रित थी, लेकिन 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध और पाकिस्तान पर शानदार जीत ने आलोचनात्मक आवाज़ों को शांत कर दिया। कंपनी ने उनके जीवन काल में कोई वाहन नहीं बनाया। प्रगति प्रदर्शित करने के लिए शोपीस के रूप में रखे गए एक प्रशिक्षण मॉडल की आलोचना की गई। जनता की धारणा गांधी के खिलाफ हो गई और कई लोग बढ़ते भ्रष्टाचार के बारे में अटकलें लगने लगे। इसके बाद गांधी ने संभावित सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और पीपुल्स के भारतीय संस्करण के सहयोग उत्पादन के लिए पश्चिमी जर्मनी से वॉक्सवैगन एजी से संपर्क किया। कार बिटल के साथ वॉक्सवैगन की विश्वव्यापी सफलता का अनुकरण करने के लिए आपातकाल के दौरान गांधी जी राजनीति में सक्रिय हो गए और मारुति परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अंततः 1977 में जनता सरकार सत्ता में आई और मारुति लिमिटेड समाप्त कर दिया गया। नई सरकार द्वारा न्यायमूर्ति आलोक चंद्र गुप्ता सुजुकी जापानी कंपनी वी के प्रयासों से नियमित किया गया था। कृष्णामूर्ति 1980 में उनकी मृत्यु का एक साल बाद और आदेश पर इंदिरा का नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मारुति लिमिटेड को बचाया और एक नई कंपनी के लिए एक सक्रिय सहयोगी तलाश शुरू की। मारुति उद्योग लिमिटेड को उसी वर्ष नेहरू गांधी परिवार के मित्रों और औद्योगिक दिग्गज जिसने मारुति मामले की बहुत आलोचना रिपोर्ट दी थी बनाने की दौड़ में जर्मनी कंपनी को पछाड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया। इसने सरकार को उनके मॉडल 796 का एक युवा डिजाइन प्रदान किया जो जापान और पूर्वी एशियाई देशों में भी सफल रहा। 1974 में विपक्ष के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन और हड़तालों ने देश के कई हिस्सों में व्यापक अशांति पैदा की थी और सरकार और अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया था। 25 जून 1975 को खिलाफ एक प्रतिकूल अदालती फैसले के बाद इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। चुनाव में देरी की प्रेस पर सेंसरशिप लगाई और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कुछ संवैधानिक स्वतंत्रताओं को लिंबावित कर दिया। पूरे देश में गैर कांग्रेसी सरकारें बख्शीश कर दी गई। हजार लोग जिनमें कई स्वतंत्रता सेनानी जैसे जयप्रकाश नारायण और शामिल है जो आपातकाल के विरोधी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जीवताराम उपालनी आपातकाल के ठीक पहले और तुरंत बाद के बेहद प्रतिकूल राजनीतिक माहौल में गांधी इंदिरा के सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण हो गए। पूर्व वफादारों के दल बदल के साथ इंदिरा और सरकार पर गांधी का प्रभाव नाटकीय रूप से बढ़ गया। हालांकि वह कभी भी अधिकारी या निर्वाचित पद पर नहीं थी। मार्क टूली के अनुसार उनकी अनुभवहीनता ने उन्हें उस शक्ति का उपयोग करने से नहीं रोका जो उनकी मां इंदिरा ने प्रशंसकों को अंतर्कित करने के लिए ली थी। वास्तव में यह एक पुलिस राज्य था। ऐसा कहा जाता है कि आपातकाल के दौरान उन्होंने वस्तु अपने दोस्तों विशेषकर बंसीलाल के साथ मिलकर भारत को चलाया। यह भी चुटकी ली गई थी कि
भाई का अपनी माँ पर पूरा नियंत्रण था और सरकार पीएमओ के बजाय पीएमएच धारा चलाई जाती थी। उन्होंने भारतीय की पार्टी में हजारों युवा लोग शामिल हुए जिन्होंने प्रतिद्वंदियों और उन लोगों को डराने के लिए धमकाई और बल का इस्तेमाल किया जो श्रीमती गांधी या उनके अधिकार का विरोध करते थे। आपातकाल के दौरान इंदिरा ने विकास के लिए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम घोषित किया। गांधी जी ने निम्नलिखित को बढ़ावा देने के लिए अपना बहुत छोटा 5 सूत्री कार्यक्रम भी घोषित किया था। बाद में आपातकाल के दौरान संजय के कार्यक्रम को इंदिरा के 20 सूत्री कार्यक्रम के साथ मिलाकर एक संयुक्त 25 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया। 5 बिंदुओं में से संजय को अब मुख्य रूप से परिवार नियोजन पहले के लिए याद किया जाता है, जिसने बहुत बदनामी हासिल की और भारत में जनसंख्या नियंत्रण को दीर्घकालीन नुकसान पहुँचाया।